हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज UPPSC RO ARO के संबंध में, मुख्य परीक्षा के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये न्यूज़पेपर में छपी है, मैं इसकी आपको कटिंग न्यूज़पेपर में एज इट इज जो छपी है वो आपको दिखाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आज आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो, अपने टारगेट को पूरा कर सकें। माँ लक्ष्मी आप लोगों पर कृपा करें। चलिए मैं आपको आज की कटिंग दिखाती हूँ कि न्यूज़पेपर में आज क्या खबर छपी है। लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम लतीफे बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि आयोग की परीक्षाएं कैलेंडर के मुताबिक हो ही नहीं पा रही हैं। परिणाम में देरी की वजह से कैलेंडर में इस माह प्रस्तावित की गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा मुख्य परीक्षा 2017 RO ARO का मीन्स हो पाना असंभव लग रहा है। जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसकी आंसर की तो आ चुकी है लेकिन मेंस नहीं होने की संभावना है। 25 मई को घोषित कैलेंडर में आयोग ने RO ARO 2017 की मुख्य परीक्षा 25 से 27 नवंबर तक प्रस्तावित की थी, लेकिन अब तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम ही घोषित नहीं हो सका है। 465 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा 8 अप्रैल को प्रयागराज मतलब इलाहाबाद सहित 21 जिलों में बनाए गए 1146 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। 533,044,107 परीक्षार्थियों में से 340,121 यानी 63.7% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम में देरी की वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन इसकी प्रमुख वजह आयोग में सदस्यों का न होना भी है। आयोग में इन दिनों सदस्यों के 8 में से 7 पद रिक्त हैं, इस वजह से कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। वैसे इस परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी करने में भी आयोग ने काफ़ी देर कर दी थी। प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर कुंजी 6 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसमें 4 गलत प्रश्न पूछे गए थे जिसे आयोग ने हटा दिया था। इनमें 2 प्रश्न GS और 2 सामान्य हिंदी के थे। परीक्षार्थियों ने 15 अक्टूबर तक साक्ष्य सहित आपत्तियाँ लगाई थी। प्रतियोगियों ने GS के 5 सामान्य हिंदी के 3 प्रश्नों पर आपत्तियाँ की थी। OMR का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति की ओर से आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी तैयार करने के बाद ही किया जाता है। लोक सेवा आयोग को शासन से लोअर सबॉर्डिनेट के अंतर्गत आने वाले जिन रिक्त पदों का अधियाचन मिला है उसके लिए कराई जाने वाली नई परीक्षा के बारे में अभी भी फैसला नहीं हो सका है। लोअर में आने वाले कई पदों को PSC में शामिल किया गया है। जो पद PSC में नहीं आ सके हैं उनके लिए नई परीक्षा कराने की बात की गई है। आयोग ने मई में घोषित कैलेंडर में सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 की तिथि 7 व 8 अक्टूबर तय की थी। हालत यह है कि इस भर्ती का विज्ञापन ही 30 अक्टूबर को जारी किया गया। 30 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा कब होगी इसका विज्ञापन पे कोई जिक्र नहीं है। तो ये आज की बड़ी खबर कि आयोग UPSC का नज़रिया इतना लेट लतीफ होता गया, उनका काम इतना लेट होता है कि कोई भी पेपर हो, चाहे वो PSC का सबॉर्डिनेट का पेपर हो, RO का, ARO का, कोई भी काम टाइम पर नहीं होता है। इसलिए आप लोग रिजल्ट की चिंता छोड़ते हुए बस अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में लगे रहिए, अपने पेपर्स की तैयारी करते रहिए। RO ARO का मेंस हो या UPPSC का मेंस हो, आप दोनों के पेपर में मेंस की तैयारी में लगे रहिए। तो हम लोग अपना पेपर जो कि एथिक्स का मैं शुरू करने वाली हूँ और ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो हम दिवाली के बाद ही शुरू करेंगे क्योंकि दिवाली में थोड़ा सा आप लोगों के साथ साथ हमें भी मस्ती करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हम लोग दिवाली के बाद अपना जी जान से पढ़ाई में लगेंगे और कोर्स कंप्लीट करेंगे मेंस का। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।